नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। भारत देश वो देश है जो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ के रीति रिवाज पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे अनोखे माने जाते हैं। वैसे तो देशभर में अलग अलग परंपराओं और रीति रिवाजों से शादियाँ होती हैं, लेकिन कुछ शादियाँ इतनी अनोखी होती हैं जिनकी चर्चा चारों ओर होने लगती है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हुआ एक विवाह सिर्फ जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरु पूर्णिमा पर शहर में एक विदेशी जोड़े ने सनातन संस्कृति के अनुसार विवाह किया। यही नहीं, दोनों ने 7 जन्मों के लिए परिणय सूत्र में बंधने की सौगंध भी ली। देखिए ये रिपोर्ट, जहाँ विदेशी हस्तियों ने खाई हमारी मिट्टी में साथ निभाने की कसम। एमपी के शिवपुरी में गुरु पूर्णिमा के दिन एक विदेशी जोड़े ने भारतीय रीति रिवाज से शादी कर ली है। भारतीय संस्कृति और शिवपुरी के गुरुजी डॉक्टर रघुवीर सिंह गौर से प्रभावित होकर स्विट्जरलैंड के मार्टिन और जर्मनी के उल्रीके ने अपनी शादी के लिए भारत के शिवपुरी को चुना। इस मौके पर शिवपुरी के नक्षत्र गार्डन में सभी जरूरी इंतजामों के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। स्विट्जरलैंड के मार्टिन और जर्मनी की उल्रीके गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिवपुरी में एक दूसरे के हो गए। आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर रघुवीर सिंह गौर के सानिध्य में इस चर्चित शादी में बड़ी संख्या में हस्तियां मौजूद रहीं। मार्टिन शेरवानी में और उल्रीके लहंगा पहनकर भारतीय दूल्हा दुल्हन लग रहे थे। इस शादी में बाकायदा बारात निकाली गई, फिर बाद में वरमाला कराई गई। भारतीय परंपरा के अनुसार वैदिक मंत्रों के साथ विवाह सम्पन्न हुआ। इस शादी में करीब आधा दर्जन विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। शादी के बाद मार्टिन ने कहा कि वह गुरु जी के आशीर्वाद और सानिध्य में शादी करना चाहते थे, उनकी ये मुराद पूरी हुई है। विदेशी दूल्हा भारतीय बाराती अजब रही। बारात रविवार की रात स्विट्जरलैंड के मार्टिन की बारात निकाली गई। मार्टिन शेरवानी पहन सर पर साफा बांध बग्गी पर सवार हुए। मार्टिन की बारात में 2 विदेशी महिलाएं थी, लेकिन करीब 100 बाराती भारतीय बाराती थे, जिनके द्वारा बारात में फिल्मी गीतों पर जमकर डांस किया गया। ये बारात कुछ अलग ही लग रही थी, जिसमें विदेशी दूल्हा और भारतीय बाराती देखने को मिले थे। दुल्हन के जोड़े में दिखी उल्रीके, हाथों में रचाई मेहंदी। इधर उल्रीके ने भी लहंगा पहना हुआ था। उन्होंने मार्टिन के नाम हाथों में मेहंदी रचाई हुई थी। बाकायदा भारतीय पद्धति के अनुसार उल्रीके मंच पर वरमाला के लिए पहुंची। उनके साथ भारतीय महिलाएं रहीं, जहां मंच पर वैदिक मंत्रों के साथ वरमाला हुई। इस मौके पर सभी धर्मों के गुरुओं ने पहुंचकर मार्टिन और उल्रीके को अपना आशीर्वाद दिया। मार्टिन और उल्रीके की शादी में पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सहित पूर्व विधायक और कई चर्चित हस्तियां मौजूद रही। बता दें, मार्टिन और उल्रीके 23 जुलाई तक शिवपुरी में रहने के बाद दोनों दिल्ली में 2 दिन रुकेंगे। इसके बाद स्विट्जरलैंड रवाना हो जाएंगे। इस दौरान दूल्हे राजा मार्टिन ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। There's just no words. It's just overwhelming. Yes. Now we are starting. Okay, okay. Mr. Martin, you are going to marry me now. Do you like this culture, Indian marriage? Yes, I love it, yes. It's overwhelming. There is no other words. In the process and lot of dance. Yes, yes. That's very good. It's, yeah. It's, how do I say, life energy pure. Pure life energy. Perfect. Now you are going to marry? Yes. She is so pretty. Yes. I almost didn't recognize her with all the jewelries and yeah, it's very nice. वही विश्वविख्यात संस्थान शिवपुरी के प्रमुख डॉक्टर रघुवीर सिंह गौर ने कहा कि एक धर्मगुरु के समक्ष तो अक्सर शादी विवाह और फेरे होते हैं, लेकिन शिवपुरी में पहली बार सभी धर्मगुरुओं के समक्ष अंग्रेज दंपतियों ने सुखद जीवन का आशीर्वाद लिया है। जी। महिला जर्मनी से है,
स्विट्जरलैंड से जी जी, इनका कैसे समन्वय बना, संयोग बना और उसमें आपकी क्या भूमिका रही? ये 8-10 साल से ध्यान के माध्यम से मुझ पर जुड़े जी और शक्तिपात करते रहे, जिसमें ये जो स्विट्जरलैंड के हैं इनका बड़ा काम है, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये वहाँ योगा गुरु भी हैं। बहुत सारे योगा गुरु जो हैं वो मुझसे शक्तिपात विश्व के कराते रहते हैं। तो जब ये जुड़े तो फिर इनको ऐसा लगा कि कहीं तो भी जो है मुझे गुरु जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो आमने सामने की जो वार्तालाप है वो कुछ और होती है। तो ये 2-3 बार मेरे पास आते रहे और इनके माध्यम से जो है ये जर्मनी की लेडीज भी, ये भी 1-2 बार आ चुकी हैं यहाँ। जब चर्चा होती थी यहाँ के जीवन की, तो हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं। जीवन जो है पंचमन संस्कार से प्रारंभ होता है, तो जब उससे चर्चा हुई तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ इनके दिमाग में तो थी। वो पंचमन संस्कार जिसमें जो है हम दाम्पत्य जीवन में जब एक हो जाते हैं तो फिर एक हो जाते हैं, उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि 2 गिलास का पानी एक जग में मिला दो तो वो होगा नहीं, अलग नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। अच्छा, तो इनका ये प्रेम विवाह है या अरेंज मैरिज है? सच तो ये है कि आजकल जो भी होता है वो प्रेम से प्रारंभ होता है। लड़का लड़कियां आपस में देख लेते हैं, पसंद करते हैं, चर्चा करते हैं और यदि ठीक लगता है तो आगे बढ़ जाते हैं, और यदि वो प्रेम पैदा नहीं होता है तो फिर वहीं ड्रॉप कर देते हैं। तो इनकी आपस में जो चर्चा हुई, क्योंकि विदेशों में बिल्कुल खुली हुई बात और एक अच्छी सोच के साथ लोग बाग आगे बढ़ते हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने जो है यहाँ का जो पद्धति देखी, हमारे जो पंचमन संस्कार की बात थी जहाँ से वैवाहिक पढ़ने संस्कार की बात थी, तो ये पढ़ने संस्कार का उनको बहुत अच्छा एक क्रेज़ हुआ कि भारत में पढ़ने संस्कार सिर्फ ऐसे नहीं होता है, ईश्वर को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके होता है। तो क्यों ना जो है हम भी उस ईश्वर के साथ और उस तथ्यात्मक सत्य के साथ जुड़ें, क्योंकि अग्नि जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और वस्तुतः जो है हम सारे लोग सूर्यांशी हैं, क्योंकि पृथ्वी सूर्य थी, चटक करके अलग हो गई और उससे चक्कर काटने लगी, उस पर उत्पन्न जो भी चीज़ है वो सूर्य का ही अंश है, तो हम लोग सूर्यांशी हैं। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रेम का अनोखा संगम देखने को मिला है। ये शादी जहां मार्टिन और उल्रिके के लिए खास बनी, वहीं भारत के लिए भी किसी शान से कम नहीं है कि दूसरे देश से आकर लोग हमारे रीति रिवाज को अपना रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।